नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नहाए खाए के साथ ही आज से छठ महापर्व का शुभारंभ हुआ। आज सुबह से ही छठ व्रती नहा धोकर महापर्व के प्रसाद के लिए गेहूं धोकर सूखती हैं। दूसरी ओर आज के दिन कद्दू भात के भोग लगाए जाते हैं। इसके साथ ही आज से इस महापर्व का शुभारंभ हो जाता है। इस पर्व में छठ व्रती 2 दिनों तक निर्जला उपवास करती हैं। साथ ही सर्वप्रथम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ व्रती छठ का प्रसाद खाकर पूजा संपन्न करती हैं। आज नहाए खाए के इस मौके पर छठ व्रती बताती हैं कि पिछले 18 साल से इस पर्व को लगातार कर रही हैं। इस पर्व को करने से उन्हें आंतरिक शांति मिलती है। अपने और पूरे समाज और विश्व कल्याण के लिए छठ माता और सूर्य भगवान से प्रार्थना करती हैं। साथ ही इस बार भगवान से प्रार्थना है कि इस कोरोना महामारी को पूरे देश से खत्म करें। इसका नहा खाए के दिन आज के दिन से शुरुआत हो जाता है। पहले नहा खा होता है कद्दू भात, उसके बाद फिर खरना, फिर पहला अर्घ, फिर संध्या अर्घ। मान्यता तो बहुत कुछ है, मतलब सभी कष्ट दूर करती हैं छठी मैया। सभी सब वही घर परिवार के लिए ना, सबका दुख दर्द दूर करती हैं, सब कोई स्वस्थ रहे, सब कुछ अच्छा से चले, ये कोरोना महामारी बिल्कुल ही खत्म हो जाए। वी टाइम न्यूज के लिए निरसा झारखंड से विकी सलूजा की रिपोर्ट।